अनुसार अभी खाना खाइए एक गिलास दूध सुबह साढ़े नौ बजे हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग अच्छा ये आप लोग भी पी लीजिए चाय अभी मॉर्निंग का समय है तो आज मैं चटनी बना रही हूँ उसके पखाने वाली और रोटी बनाऊंगी और आज आप लोगों को ऐसे गुड मॉर्निंग यहाँ पे ये मुँह धुल के आए हैं अभी हेलो कर लो और ये अभी अभी सोकर उठे हैं तो अभी हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही थी आई थिंक मेरा ये जो डेली ब्लॉगिंग है वो काफ़ी देर बाद जा रहा है ये देखो बाबू कल काजू लगाया था <laughs> अच्छा हाय तो कर दो हाय शकल <laughs> नहीं दिखाने की कज्जू लगाए थे अब मैं पी चाय एक तरफ मेरी बोई बन रही है चटनी तो मेरा तो ऐसे ही काम है चाय बनती रहती है पीती रहती हूँ तो मेरे ना ब्लॉग दो तीन दिन से नहीं आ रहे थे कंटिन्यू जो डेली काम वाले रहते हैं तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी जो मेरे पास ब्लॉग बने रखे थे उन्हीं को थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती थी तो मैं कर देती थी पर जो ज़्यादा एडिटिंग वाले ब्लॉग थे वो मैं शूट ही नहीं कर रही थी एडिट ही नहीं कर रही थी क्योंकि सभी तीन चार दिनों से मेरी मतलब बॉडी में अचानक से पता नहीं तकलीफ चालू हो गई तो मेरी हिम्मत नहीं होती पर ये सब काम तो मुझे को करने होंगे है ना इसको लेकर भी फिर मैंने डॉक्टर अपने बात की तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ बताया है वो मैं आँगी आपको अपनी रिपोर्ट भी बताऊंगी आई थिंक आपको मैंने शुरू में ही बता दी है है ना और आप लोगों के कमेंट रहते हैं ऐसे कि आरती क्या तुम प्रेग्नेंट हो जैसे कि मैं दही बड़े खाती हूँ या फुल्की खाती हूँ आपने देखा होगा मेरा पेट भी बाहर बहुत ज़्यादा निकला है तो ऐसे काफ़ी कपड़े जो पहनती हूँ तो आप लोगों को समझ में आता है बट तो वो सब तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद सेकंड प्रेगनेंसी वो भी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है है ना आ, बट मैंने अभी कोई टेस्ट भी नहीं कराए हैं और डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने मुझे बुलाया है हालांकि बुलाया तो उन्होंने दो महीने में ही था है ना दो महीने पहले भी बुलाए थे मुझे उन्होंने जब 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 मेरे हस्बैंड को बुलाते थे बट वो मना कर देते थे, थे कि यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है बट उन्होंने इस बार ये बोल दिया है डॉक्टर ने कि आपको आना ही आना है इस बार तो आना ही आना है तो इस बार मैं जाऊंगी और यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी खाना आज मैंने जल्दी नहा लिया था तो मैं कपड़े और बर्तन बाद में करी हूँ पहले मैंने झाड़ू पोछा करके नहा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी हो रहा था और वो कहते हैं ना एक मन नहीं होता है करने का तो मन नहीं था मेरा किसी चीज़ का करने का तीन चार दिन से यही था मैं सोचा कि आपको बताऊंगी बताऊंगी पर कहीं ना कहीं अपने इस तकलीफ को छुपा लेती थी पर आज हिम्मत करके बताई है और आप लोगों को रिपोर्ट भी बताइए ताकि आप लो, कि काफी लोग है है कि काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि आ, अब ठीक है जो भी बोलते हो मेरे को दोबारा नहीं करना कि ड्रामा नौटंकी है ना बार बार मुझे रिपीट नहीं करना है बट ड्रामा नौटंकी नहीं है आप मेरी जगह एक मिनट रह कर देखिए और यहाँ पे मैं अपना कर रही थी काम ये ब्लैंकेट को मैंने अंदर रख दिया है क्योंकि थोड़ा सा गर्म वाला मौसम आ गया है ना इस वजह से और कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे आपको पता है हाँ अभी ठंड चल रही थी ठंड के बाद फिर गर्मी का अचानक तो अभी जो मंगल सूत्र पहना था वो टूट चुका है और आप लोगों को कुछ बताना था क्या बताना था हाँ आप लोगों के कमेंट आते हैं क्या बात है आरती कभी दही बड़े खा रही हो कभी फुल्की खा रही हो क्या बात है क्यों नहीं बता रही हो तो क्यों खा रही हो उतना और जैसे कि मैंने अभी कल क्या खाई थी और मुझे खाना तो बिल्कुल भी नहीं खबरा है है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ मतलब मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है तो इसके लिए क्या आयरन बोलते हैं आयरन की कमी बताई है तो मैं आगे अभी आपको रिपोर्ट ही बता दूंगी तो आयरन की कमी बताई उसके लिए कुछ खट्टा खट्टा खाने को बोला अब एकदम से नींबू तो नहीं खा सकती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि दही खा लूँ कहीं कुछ ये खा लूँ आयरन में ही खट्टा खाते ना तो ये खा लूँ वही ठीक रहेगा तो बस और कोई वजह नहीं थी यही था हालांकि मैं सोच नहीं रही थी कि आप लोगों से यूँ बताना पड़ेगा मुझे आ, और सोचिए मुझसे खाना तो खप ही नहीं रहा है रात में तो बिल्कुल भी नहीं खपता है पता नहीं क्यों हो रहा है और क्यों मेरा मन सच में खट्टा खाने को करता है फिर तो हमने अपने डॉक्टर से बात बताई तो उन्होंने बोला कि आपको आयरन की कमी होगी आप टेस्ट कराइए टेस्ट कराए तो सच में ही निकला है देखो क्या होता है अब शाम का टाइम है अभी इनके लिए मैंने चाय बना रही हूँ और आज थ्रेडिंग बनवाने गई थी मुझे जाना है वो मैं आप लोगों को सरप्राइज रखूंगी और ट्रेडिंग वगैरह बनाई थी अब फिर चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ क्योंकि वहां खड़े होके देवू ने चिट्ठी कर दी क्या करे भैया देखो उसके मुंह से ना एक्ट तो मतलब चिट्ठी कर ही बाद में मिलती हूँ पता है चाय कॉफ़ी शक्कर लस्सी शक्कर और पोहा तो डॉक्टर ने मुझे ये खाने को बोला है क्योंकि अभी थोड़ा सा आज मेरे पेन होने लगा है जहाँ से किडनी के वहाँ तो मैंने उनसे फ़ोन किया था तो ये सब बोला है कि अपने डाउट अनुसार अभी खाना खाइए तो यही सब है एक गिलास दूध सुबह साढ़े नौ बजे ये लाइफ टाइम के लिए है क्यों अपना है लाइफ टाइम पर कोई खाना है इसके अलावा कुछ नहीं तो सैलेड खा सकते हैं ना दही भी कंटिन्यू अपन को खाना ना बारह से एक के बीच में खाना खाना है ना खाना दोपहर का बारह से एक के बीच तो का ते मेरे हस्बैंड सही टाइम में खाना खा रहे हम दोनों का चार्ट एक सा ही है वैसे है ना और ये हमारे डॉक्टर हैं निकाल तो 2:00 बजे ऐसे वो कहाँ लिखा अपने जय करपलानी और डॉक्टर अचलस्पाय ये कितनी रोक थी। करती हूँ आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस बड़े ऑपरेशन के बाद सेकंड प्रेगनेंसी तो आप, तो कभी कभी ऐसी इच्छाएँ होती हैं जब जैसे किसी चीज़ की कमी हो जाती है ना शरीर में कि हमारे ये खाने को मन करता ही करता है है ना काफ़ी लोग आप लोग डाउट भी होते होंगे कि क्या बात है आरती इतना सब कुछ खा रही है है ना तो वो वही सब मैंने डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने बोला है कि आप आएंगे तब आपको यहाँ पे अच्छे से एडवाइस दी जाएगी है ना तो और अभी बोला है अगर कुछ रहेगा तो अभी दो चार दिनों में उन्होंने बोला है कि हम कोई सा टेस्ट लिखेंगे तो वो व्हाट्सअप में सेंड करेंगे तो वो आप यहाँ से चेक करा लेना फिर आप हमको अपने व्हाट्सअप में दे देना तो अब देखिए जो होता है फिर मैं आप लोगों से बताऊँगी और आज मतलब समझ लीजिए कि आज लेटे लेटे मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ बहुत सारा काम जो मैंने मतलब आराम से ही किए हैं जल्दबाजी में नहीं किए मैंने कहा कि रिलैक्सफुल होके ही करूँगी यहाँ तो पे सो रहा पता है आपको उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा है आज इसको नज़र नज़र टाइप के आपको दिख भी रहा होगा और आज तो धूप निकली मतलब गर्मी का मौसम आ ही गया ना तो मैंने ये ब्लैंकेट सब हुए हैं वो वाला मैंने रख दिया है जो मोटा वाला था रख नहीं दिया उसको रात को निकाल लेते पीछे साइड रखा है और वापस सी वाला बोल लेते अभी बस खाना पीना खाया है सोचा कि मेरा कल का वीडियो चल रहा था अभी तक मैंने एंड नहीं किया जब एडिटिंग करने बैठी तो मैंने सोचा कि चलो बाय बाय भी कर दूँ बाय बाय भी आप लोगों को नहीं किया है और आज का आपको डाउट भी क्लियर कर दिया मैंने आप लोग पूछते हैं कि आरती क्या तुम तुम प्रेग्नेंट हो तो अभी बड़े ऑपरेशन के बाद तो शायद नहीं सो सकती हूँ मैं सब कुछ है ना और इनको नींद आ रही है पर ये सोएंगे नहीं क्योंकि पता है आपको अभी बज रहा है तीन ये देखो पास से दिखाती हूँ तीन बज रहा है और एक घंटे बाद चार बजना है इनको दवाइयाँ खानी है तो सो तो नहीं पाएंगे फिर भी हेलो हाय कर लो हो, हो। <laughs> खाना, खाना खाने के बाद नींद आती है वो तो है वो तो अपनी बात है ना तो अभी मेरा कहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ और आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अब मिलूँगी अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय आप भी अपना ख्याल रखिएगा